ये नाली का फोटो ले लो पहली बात तो बिल्कुल रुको, पानी की निकासी है ही नहीं है। नजायज तो एक बिल ठोकन ला रहे हैं बिजली वाला, मैं बहुत ज्यादा तंग हूं। अगर कोई लाइन खराब हो जाए तो कोई संभालने भी कोनी है। महीने का 6,000-7,000 बिल आवे, अब तो खर्च ही कौन निकले, कोरोना में खत्म हो गया। सब के है के बस आप गए जजन देवे दूसरे कौन दे। 2 बीघा जमीन दान दी थी। राम राम साहब, मैं हूँ थारो मित्र मुकेश, ओथे देख रहे हो जलको हनुमानगढ़। तो अभी अपा हनुमानगढ़ जिले का झंडा वाले गांव में अड़ा और जगह जगह ग्रामवासी है, वहाँ से बातचीत करके देखांगा कि गाँव में कितो विकास हुए है। तब जी गाँव में विकास भी कुछ कितो के हुए है। विकास तो भाई थोड़ो घणो ही होया, कुछ ज्यादा कोई। लहर लीट बार जोर को हो, अब कड़े जोर को है कि लहर लीट बार जोर को है ये आगे। हां अब कड़े क्या कोनी होयो, अब कड़ा दूजा लग गया ना कौन लॉकडाउन जे, लॉकडाउन जे इन करके पैसा पैसा नहीं आया, आगो पैसा कोनी आ रहे। हां तो थाने के बेरो सरपंच साहब ने पूछे होगे, पूछे सरपंच ने। हां वो पैसा कोनी आन लाग रे। हां अगर काम जोर को है। लहरली बार के काम होया? काम छड़कां का बहुत होया, बहुत ज्यादा अस्पताल बन गया सरकारी। गांव में अस्पताल है के? हां सरकारी बड़ा अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र है, PHC है। और जी दवाइयां वगैरह टाइम पर मिल जाएंगे? दवाइयां मिल जाएंगे। बिल की बात करा तो कितना के आ रहे हैं बिल? भाई 4 पंखा 2 बल्ब चले है। 4 पंखा हैं, 2 बल्ब है। हाँ 2 बल्ब 2 पंखा चले है। 2 पंखा 2 बल्ब और 2 पंखा चले। हाँ महीने को 6,000-7,000 बिल आवे। महीने को 6,000-7,000 बिल आवे 2 महीने को। बिल आप बोला है जी, क्या कारण है? तो बताओ क्या कारण है भाई, रंग लगे नहीं सीधे भर दे। बिजली महकमा चुको वो थोड़ा बहुत अंग सही कोनी है नहीं। नजायज तो एक बिल ठोकन ला रहे है, यानी कि जहाँ अपने नजायज दिया मतलब के बात पर थे इसको नजायज बिल आने लगे। बिल देखो जी घर को बिल्कुल 4,500-4,500 रुपया था हुआ कोनी, कुआं को मोटर को भी बिल 4,500 रुपया ऐसी ऐसी सलामत होला ना ना बिल्कुल ही कोनी जी, पक्का रात ना चला है, दिन में तो कई बार एक पखो चला है। और ऐसा कोई फ्रिज भी काम में कौन सा ला रहे हो? बिजली वाला मैं बहुत ज्यादा तंग हूं, अगर कोई लाइन खराब हो जाए तो कोई संभालने भी कोनी है। बिल आवे मोटा मोटा बिल के माँ सारू कुछ देवड़ा सरकार को भी आ चीज है, इन पर फोन करो थाने घर आके बिल जी सही करके देगा, सारू की करके देगा, लेकिन फोन करके और घर जाके भी कह गया दफ्तर में तो भी बंदो सही करने को नहीं आए। बिजली में बहुत ज्यादा परेशानी है, मतलब गांव बिजली विभाग में बहुत परेशान है। हाँ और कोई चीज की परेशानी कोनी माने। तो भाई बिजली का बिल वाला आ रहे हैं तो आंग ऊपर जी मतलब गांव का इकट्ठा हो गया या फिर धरनों प्रदर्शन या फिर इसी कोई शिकायत वगैरह गांव भी गांव का जी धरनों प्रदर्शन करना चाह पर भाई बात है गांव वाले को सुना कोनी कोई एक पानी कोनी आ सुना क्यों कोनी कौन सुना एक पानी को भी में थोड़ी सी हल्की फुल्की अभी नहर को मोटर को पानी आ जाए पहुंचा जरूर है। हाँ हाँ पानी में कोई दिक्कत हुआ नहीं माने, बिजली में थोड़ी सी दिक्कत है। पीने वालों पानी की मतलब जी क्या व्यवस्था है गाँव में? पूरी व्यवस्था गाँव में जी मकान को कितना के मिल रहा है जी? हो सी 30% एक बार मिले अभी मतलब अबार की बात कर रहे हो? पीछे पीछे की अब कौन ही अभी एक ही कौन मिले अभी तक? तो थाने जी मिले रहो है कौन मिले रहो माने कौन मिले रहो जी थाने मिले रहो चीज हो गया जी मन ना मिला तो और गरीब घर गणी बैठे बने तो मिलना चाहिए। नहीं नहीं मकान की बात कर रहे हैं जका भाई मकान मिले कर रहे हैं सरकार की तरफ मुंबई मिले रहेंगे लोन मिले हैं लोन BPL में हो गए मैं वो अंतोजा में हैं अंतोजा ट्रेड बीपी हो गया ट्रेड बीपीएल है। हाँ हाँ मकान मेरा बहुत गजब का लड़ा है जहाँ देखो रही झोंपड़ी है मैं आज तो मन बारिश होना पड़े सब के है के बस आप गए जजन दे दूसरे कौन दे। मकान मेरा बिल्कुल कच्ची छत का है एकदम नीचे दब रहा है 6-7 फुट पर रहेगी अब तो फॉर्म भराए को नहीं किए थे फॉर्म भराएगा सारों की मतलब 4 साल हो गया फॉर्म भरते नहीं 4 साल में जी मतलब हर साल फॉर्म भरा है सारों मेरे 5 साल पहला भरा हो बाद में फिर भरा हो अब के सर लोन आवेगा तो देखा भाई आवे नहीं आवे आवार जी थारी सरकार की तरफ जी पेंशन मिली आखिर 60 सालों पर अनुदान मिल रही है पेंशन मिले मकान को नहीं आएडो मकान आओ मतलब एक मैं जी मतलब लिस्ट में थारा नाम आयोगे कभी लिस्ट में नाम आओ तो फिर तो मैं कटाई लेता हूँ लिस्ट में नाम को नहीं आया लिस्ट में नाम को नहीं आया नाम को और जी मतलब गाँव में मिल रहा है बहुत ही सारा क्या पूछो बहुत सारा क्या तोड़ रखे मोटरसाइकिल आ गया कुत्ता आ गया
बाकी टाइम पास कर लिया शाम ने आ गया 10 मिनट ठीक हुआ टाइम पास डेढ़ी मुझे करके आ जाए भी साहब क्या काम करे करो डेढ़ी मुझे कर भाई अब जी मतलब वो नरेगा नरेगा काम किया कौन सा नरेगा भाई चले ही को नहीं नरेगा चलती तो फिर तो अठक क्यों हुआ था फिर भी बड़जार खेलता है ना ना भाई जी तस खेलेंगे बटे तो अठके खेल लग रहे हो अठे तस खेलना बाकी एक्स्ट्रा डेढ़ी जाओ भी साहब बस जाए मतलब कितना दिनों में नरेगा वो काम बंद है गांव की विकास की बात करें तो ये नाली का फोटो ले लो पहली बात तो बिल्कुल रुका हुआ पानी की निकासी है ही नहीं है ना किसी हद तक पानी की निकासी नहीं है कितना सालों वहाँ समस्या आने लग रही है गांव में हाँ समस्या आने लग रही है काफी सालों आने लग रही है भैया तो देखा तो कम मतलब आया गया सरपंच नालियाँ तो बन गई ऐसी बात नहीं है पिछले पंचवर्षीय योजना में नालियाँ बनी है नालियों के विकास नालियों में जो निकासी का पानी है उसकी कोई मतलब एक इक्वल स्थान नहीं है जहाँ वो निकासी हो ना तो मतलब कई गाँव की क्या परिस्थिति है क्या बैठे नालियाँ बने रही को नहीं लेकिन थारे गाँव में क्या नाली भी बने रही है और सड़क भी बने रही है लेकिन पानी की निकासी की बात नहीं हो रही पानी की निकासी के लिए एक तो इसमें व्यवस्था नहीं है ना नालियों की सफाई के लिए नालियों की सफाई के लिए कोई कर्मचारी लगाए जाएंगे तो ही नालियों की व्यवस्था होगी सफाई होगी थारे स्तर पर थे के बता सको कि मतलब इन चीज़ को और समाधान हो सकता इन चीज़ का समाधान तो गाँव मिलकर बताएगा ना इस बात का समाधान गांव मिलकर गांव पहली बात ये मुखिया सरपंच है उसको देखना चाहिए मतलब अबार जी सफाई है तो बा थे थारे स्तर पर ही कराओ या फिर थे खुद करो नहीं गांव नालियों की सफाई है जो बस जिसके घर के आगे जितना है जितना एरिया है वो उसकी सफाई कर रहा है कई हैं जो नहीं कर रहे हैं इसलिए कुछ जैसे 50% कर रहे हैं 50% नहीं कर रहे हैं तो इसी वजह से वो रुका हुआ है तो एक बराबर हो गया अब 10 नालियाँ साफ हैं लेकिन जो 10 नालियाँ एक में जाके मिल रही हैं वो ही आगे साफ नहीं है तो उसका क्या होगा ना फिर वो ब्लॉकेज ही होगी और क्या होगा और मतलब जी स्कूल की क्या व्यवस्था है गांव में स्कूल की गवर्नमेंट स्कूल की तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है गवर्नमेंट स्कूल है व्यवस्था भी उसकी ठीक है सारे जो स्टाफ है बड़ी अच्छा स्टाफ है मतलब कोई सी क्लास तक स्कूल है थारी 12th क्लास तक स्कूल है बिग मैन जी हाँ सब्जेक्ट के है सब्जेक्ट आर्ट को लेकर तो मेरे को ध्यान नहीं है कौन कौन से हैं क्यों सरकारी स्कूल के मैं गरगटावर भेजो को नहीं है नहीं सरकारी स्कूल में तो नहीं जा रहे हैं क्यों के कारण है सरकारी में अभी मतलब भाई थारे परिवार में और भी बच्चा होगा तो बाने सरकारी स्कूल में नहीं भेजना के कारण है सर नहीं सरकार ऐसा तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकारी स्कूल में एजुकेशन मतलब नहीं थे अभी कहो कि गाँव में स्कूल भी बढ़िया है स्टाफ भी बढ़िया है तो फिर बच्चे भी बढ़िया हैं बच्चे जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है ना मेरा थरों सवाल वो है कि सरकारी स्कूल में क्यों कौन भेज रहा नहीं सरकारी स्कूल में स्टूडेंट बच्चा है ही नहीं मेरे तो कहाँ से भेजूंगा मैं थर परिवार में होगो परिवार में तो है परिवार मतलब पहले से ही नर्सरी क्लास से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं अरे गाँव में मतलब जी हमारे टोटल स्कूलें कितनी हैं सरकारी स्कूलें कितनी हैं और निजी विद्यालय टोटल सरकारी स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल हैं दो हैं फिलहाल तो एक तो 12th तक है एक 8th तक है और निजी स्कूल कितना है गाँव में निजी प्राइवेट बोले तो प्राइवेट स्कूल हैं कम से कम 5-6 होंगे तो मतलब ओके कारण है गाँव का प्राइवेट स्कूल ज़्यादा है सरकारी स्कूल कम है ये तो कारण ही होगा प्राइवेट स्कूल ज़्यादा है कारण यो उसका यो का मतलब है गाँव का आदमी ज़्यादा पिछाड़ा हुआ है अरे बांगे मतलब मन में ही आ चीज़ हुआ है कि नहीं आपा तो आपने टाबर ने आपने कहीं पीछा है आपा तो आपने टाबर ने प्राइवेट स्कूल पढ़ा के नहीं ये बात नहीं ये तो अब जो बच्चे के गाने से वही बताएंगे ना वही डिसीजन लेंगे अपने ले सकते कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा या प्राइवेट में पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा हिंदी में पढ़ेगा वो अपने डिसीजन थोड़े मैं तो क्या बताऊँ दिहाड़ी कर रहा हूँ खाल पटा गए कितनी भी आया कर रहे हैं नरेगा का हाँ नरेगा का 160 लेकर 90 तक आवे तो 100 दिन थे कर आके काम को मिले 100 दिन पूरा करे कौन किंगा 2 बाकी है किंगा 4 बाकी है किंगा 5 बाकी है मतलब 100 दिन में 2-3 दिन की कमी बता रहे हो क्या कमी 100 दिन पूरा करे तो कौन 2 दिन 3 दिन रह गया काटो आ गयो के 100 दिन पूरा कौन है क्यों कौन करे 100 दिन पूरा बाबा थे जानो या बे जाने भाई मैं तो क्या जाना गांव का वासी थे हो भाई मैं तो बस पूछो यार मैं तो कसी चक्कर ना आ माने अब के जाने मैंने पूछा सेक्रेटरी ने जाए किसी ने पूछा हां मैं कह पूरा काटो आ गयो मैं कह कर भीड़ थी क्या जखन लाग रहे हो साल मेरे को नहीं है ये भीड़ थी कितनी बीमारियां हुए नहीं नहीं आज बीमारी काटे लगावे ये दोनों बताएंगे ताऊ जी गांव को कितो के विकास होए आ बताओ मंदे कोई बात को ध्यान ही कोनी में छोरा ने पूछो गांव का मैन कौन रहोगे थे रवा गांव में पर मैं फिरू कोनी तो मंदे के ध्यान है तो खाली है देले बुरो हाल तो थाने 60 साल ऊपर एज होगी थारी पेंशन मिलिया करेगे पहले तो मिलती अब रुक गई भाई पेंशन रुक गई के यार 2-3 महीना हो गया आई कौन चीज के बारे में थे बैंक और कर्मचारियों बातचीत करी जब के चीज करें
ना मैं तो गयो ही कोनी बैंक मुंगो में भाई। क्या के बात है सोनम विंटी मंटी पैर रखे थे क्या हम जावा पेंशन लेने मैं तो जरूर दही बिल सुन गई तो कोई पुरानी मंडी विंटियां कर से विंटियां बिंडा बनाया अब तो खर्चे कौन निकले क्या कि अब क्या हो गयो अब के पीस हरिया कौन ही कोरोना में खत्म हो गया और बिल सुनावे कौन ही। अभी आपने सगा गाँव का सरपंच प्रतिनिधि हैं जिसका आपने जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी, जो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए हैं तो मतलब गाँव का जो एक चीज़ कह रहे हैं कि गाँव में जहाँ कई सड़कों वगैरह कौन मिल रही है जहाँ कब तक के बन जानी है वो जो सड़कों का मीटर है हमारी पंचायत बहुत बड़ी है। मतलब गाँव में जो कितना वोटर है वोटर तो 86 वोट करीब है आबादी 10-11 हज़ार के करीब है 10-11 हज़ार। हाँ जी हाँ जी, जिसमें दानका वाली 19 चक हमारे अंदर आते हैं। तो जो सड़कों की बात है वो सड़कों चल रहा है पीछे साल जो है देखो बजट अपने को ध्यान है हाँ। अपने का एमएलए के पास भी नहीं आया किसी के पास बजट नहीं है हाँ। कम आया उसे बनी है 4-5 रोड भी बनी है पर कोरोना कारण वो उतना विकास नहीं हुआ। पर अब जो बजट राज्य है सरकार वाला बजट भी है और दूसरा भी है जो अब टेंडर होने वाले हैं वो 10 तारीख को टेंडर लास्ट आज संडे है 2-4 दिन में काम चल जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं। और नरेगा की अपन बात करें तो गाँव में एक चीज़ कम है 100 दिन को काम है जिसको कौन मिल रही हो कभी मिल रही को नहीं पहले भी कौन मिल रही है और अब भी कौन मिल रही है नहीं साहब 400 करीब आदमी के 100 दिन से ऊपर हो गए हैं और जो बच्चे हैं वो जो 200 के करीब 150 करीब जो हमारे साथ JDW था चक पहले झंडा वाली में था अब की बार वो पक्का सार नाम चल गया वो 150-200 आदमी का नहीं हुआ क्यों वो पक्का सार में चल गया तो लेट अपने पास आया जो अपने वो नहीं तो उसका सेक्स काम दे सकते थे उनका जो जॉब कार्ड था वो पक्का सार नाम बोल रहा था तो वो 2-2.5 महीने बाद बनाए उनके नहीं अभी तक पूरे हैं 100 दिन। तो जहाँ लगभग 1 साल हो गया उस थाने जहाँ मतलब सरपंच पद पर आए ना तो मतलब जहाँ बिंग मैन 1 साल के कार्यकाल में कितों के काम करवा दिए गाँव में। गाँव में 55-60 लाख के करीब तो रोड वगैरह का हो गया 400 शौचालय गाँव को दे दिया हमने मतलब थारे कार्यकाल में कार्यकाल में 400 शौचालय के करीब आ गए हैं 203 की लिस्ट जो अभी पास होने के लिए गई हुई गाँव का तो इन चीज़ से न कर रहे हैं के चीज़ को के? नहीं देखो ऐसे है ना सभी को नहीं जिसको मिल गया वो तो कहेगा मिल गया जिस एक को नहीं मिला तो वो कहेगा मेरे को देर कुछ भी नहीं मिला। अपने टाइम में 8 जो मकान वाला लोन है 8 आदमी क्यों जो हमारे 11 में लिस्ट बनी थी उसमें से 10 बच्चे थे उनमें से 8 मिल गए हैं और जो 49 वाली लिस्ट हमारी गई हुई है वो मतलब गाँव में जी उप स्वास्थ्य केंद्र है या फिर PHC है PHC है हाँ जी वो नहीं बनी है तो वो अपने टाइम में वहाँ पे ज्वाइनिंग की उन्होंने। और मतलब थे गाँव में मैं थारे स्तर पर थे के कर रखे हैं हमारे सत्र पर हमने जो डॉक्टर साहब के टाइम हमारे PHC पास हुई थी उसके लिए हमने 2 बीघा जमीन दान दी थी वो अपने रोड पे पड़ती है चिश्तियाँ रोड पे तो वो वहाँ पे वैसे PHC क्यों जो पूर्व सरपंच था उन्होंने नहीं कहा नहीं हमने वहाँ पे बनाएंगे वो PHC मेरे गांव में बन गई है। पर अब वो वहाँ पे हिरनावाली पंचायत की PHC के लिए जगह के लिए लेटर आया हुआ है वहाँ पे वो जगह 2 JDW का नाम आया हुआ है उसमें तो मतलब थे जिसकी बात 2 बीघा जमीन दे रखी है मतलब थारी खुद की जमीन है। हाँ हाँ खुद की जमीन में से तो मतलब एक बात आप कैसे कहा बहुत बढ़िया बात है अमूमन की है कि लोग पाहो भी को कौन छोड़े हैं 2 बीघा जमीन है जिसकी पंचायत ने दे रखी है दे रखी जी तो अब शायद तक उसमें बने कल क्यों मेरी बात हुई थी तो हिरनावाली पंचायत के लिए और PHC नहीं आई हुई तो उन्होंने मतलब उनके 2 JDW आया हुआ है उसमें क्यों मेरे पास लेटर आया था तो हमें बड़ी खुशी की बात है वहाँ पे हॉस्पिटल बनता तो क्यों अपनी दे दी एक बार जमीन वो तो नहीं अपने वापस लेनी है वो उसमें कोई चीज़ बनेगी तो अपने बनाएंगे। तो लगातार इसे वीडियो देखने खातर जल को हनुमानगढ़ जल ने सब्सक्राइब करो और नीचे घंटे को बटन अभी नहीं दबा लियो ताकि नेक्स्ट वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो थान मिल जावे और ये वीडियो पर थारी केरा ही पामन कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके जरूर बताओगा। जय हनुमानगढ़ जय राजस्थान।